हेलो जी, दिस इज राजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद राज राव। इसी के साथ हो गई है नए दिन की, नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज हम लोग जा रहे हैं कोई नई जगह, मतलब ऐसे नई जगह है नहीं वो, लेकिन हमने इतने अच्छे से एक्सप्लोर करी नहीं है, तो सोचा हम भी एक्सप्लोर करते हैं वीकेंड में और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। और वो है हमारे गुज्जू भाई की फेवरेट जगह, जहाँ पे हर वीकेंड पे गुजराती बहुत 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 ज़्यादा पाए जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं उदयपुर और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:04 हो रही है और अभी निकले हम लोग इडर से, तो यहाँ से 175 किलोमीटर है, तो पहुँचने में समथिंग 3 घंटे तो लगने ही चाहिए। देखते हैं अभी कितने बजे पहुँचते हैं। चेक इन तो हमारा 12 बजे ही होता है, 11-12 बजे, लेकिन हम लोग जल्दी इसलिए निकले हैं कि अगर जल्दी पहुँचते हैं तो 2 दिन में हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं उदयपुर को, तो जो भी कवर करेंगे वो हम अच्छे से ब्लॉग में दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दूसरी चीज़, सुबह के 6 बजे आप सबको पूछते हैं केम छो, मजामा हूँ पण एकदम मजामा। तो जी, आज हम लोग निकले हैं अपनी एस्ट्रे लेकर के और हम दोनों जा रहे हैं उदयपुर। तो उदयपुर हम अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं वीकेंड पे और आपको भी कराने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो आपको वहाँ पे अच्छी अच्छी रील्स, फोटोज़, आइटनरी सब मिलेगा। चुकी है गुड वाली मॉर्निंग एंड बाहर हो रहा है सनराइज। अभी हम निकले थे 6:04 पे और उजाला हो चुका है 6:15 पे। हम लोग एंटर कर चुके हैं उदयपुर में। तो जी, अभी पहुंचे हैं डाउनटाउन बीएनबी। तो जी, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है यहाँ पे। ये रहा होटल बाजू में, ये है डाउनटाउन बीएनबी ड्राइव थ्रू, मतलब यहाँ पे कैफ़े भी है तो उसकी वजह से टेबल लगा हुआ है। होटल हमें, ये है थोड़ा सा डाइनिंग एरिया टाइप। और सबसे मजेदार बात, यहाँ पे खड़ी है एस्टर। गाइस, हम लोग अभी हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं अब घूमने के लिए, टूरिस्टी वाइब लेते हुए। तो जी, इसी के साथ हो चुके हैं हम रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं जगदीश टेंपल, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी 9:25 हो रही है, तो सोच रहे हैं कि दर्शन करके उदयपुर एक्सप्लोर करने की शुरुआत करते हैं। हम जिस जगह पे रुके हैं वहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा ये भी है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल सकता है, तो 599 का पर डे के हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। सो गाइस, हम लोगों का होटल ये है डाउनटाउन बीएनबी एंड यहाँ पे एक छोटा सा बहुत क्यूट सा कैफ़े है
जहाँ का हमने खाना भी ट्राई नहीं किया है, बट वी विल ट्राई डेफिनेटली। और रूम्स बहुत क्लीन है, हाइजीनिक है, अच्छा है। ओवरऑल 10 में से अगर आप रेटिंग देना चाहो तो उसको 8 या 9 रेटिंग दे सकते हैं। बाकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी रेटिंग दें। पहला टॉनिक ब्रेक, अभी बज रहे सुबह के 9:48 और अभी जगदीश मंदिर पहुँचे भी नहीं, उससे पहले हाथीपुल गेट पे टॉनिक ब्रेक ले लिया हमने। ये देखिए उदयपुर का हाथीपुल है जो कि इतना खाली है, मैंने लाइफ में हाथीपुल इतना खाली नहीं देखा। अभी आप यहाँ पे दोपहर को आओगे तो यहाँ पे आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अभी खाली क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 10, अभी 1 घंटे बाद पूरा भर जाएगा धीरे धीरे। तो जी अभी अभी पहुँचे हैं जगदीश मंदिर, जो काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। जगदीश मंदिर के उस साइड से और जगदीश मंदिर और यहाँ पे आ गए बाकी बिहारी जी। तो बाकी बिहारी का उतरने का रास्ता ये है, तो आप पूरे दोनों मंदिर एक साथ करके आ सकते हो। चार गेट लगते थे है ना, और चारों शाम को बंद हो जाते, कोई भारी हमला नहीं हो जाए। अच्छा, चार गेट बंद होते थे 4-5 बजे सिक्योरिटी पर्पस। हाँ, ये सिटी पुरानी ब्लॉक हो जाती है। Okay. इसलिए उदयपुर एक और चीज के लिए फेमस है जो कि है हैंडमेड डायरीज। तो हमने एक हैंडमेड डायरी भी खरीदी है। यहाँ पे छोटी छोटी डायरीज भी मिलती हैं और बड़ी डायरी भी मिलती है। छोटी डायरी आपको 150 के अराउंड से लेकर के बहुत बड़े अमाउंट तक जाते हैं। हमने भी खरीदी है, आप भी जब भी आओ तब जरूर खरीदिए। अभी अभी पहुँचे हैं हम लोग पालीवाल रेस्टोरेंट पे। ये रहा पालीवाल रेस्टोरेंट और यहाँ पे कचौरी, आलू वड़ा और समोसा। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। जो बोट राइड है वो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हर एक घंटे में एक बोट निकलती है, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ता है। अगर टाइम मिस हुआ तो आपको 1 घंटे और वेट करना पड़ेगा। और
मतलब एक हाफ तक चलती है, मतलब मॉर्निंग वाली 2 बजे तक चलती है और सेकेंड हाफ वाली 2 से 6 तक चलती है। फेमस सिटी पैलेस, तो जी ये अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, पार्किंग और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, 4-व्हीलर पार्किंग भी यहाँ पे है और 2-व्हीलर पार्किंग भी यहाँ पे है। ऊपर से सीनियर सिटीज़न हो तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले सकते हो और 300 से 500 रुपीज़ तक का चार्ज है। अगर आप डायरेक्ट आते हो तो यहाँ से टिकट लो और यहाँ पे वेट करो तो यहीं से बोट मिल जाएगी आपको जग मंदिर जाने के लिए, तो यहाँ पे वेट करना है। वैसे तो हम लोग बहुत बार उदयपुर आए हैं लेकिन ये जग मंदिर का बोट राइड हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस आपको। तो जी यहाँ लगना है लाइन में, ये वाली बोट लग चुकी है। देखिए ये है गंगोर घाट, आपको यहाँ से गंगोर घाट नज़र आ रहा होगा। तो पूरा सिटी पहले से चालू किया था हमने और ये पूरा घूमते घूमते हम लोग ये अमराई घाट और ये सब घूम रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, यहाँ से करणी माता टेम्पल का जो रोपवे है वो भी नज़र आ रहा है। तो करणी माता टेम्पल है वो यहाँ से एग्जैक्ट सामने है, ये रहा सिटी पैलेस और ये रहे करणी माता टेम्पल, तो उसका रोपवे भी यहाँ से नज़र आ रहा है। फाइनली पहुँच चुके हैं जग मंदिर। अभी पहुंचे हैं जग मंदिर और जग मंदिर में रेस्टोरेंट रूम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो डाइनिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक रेस्टोरेंट हमें यहाँ पे ये भी दिखा क्योंकि 12:12 हो गए हैं तो हमने यहाँ पे पाव भाजी ऑर्डर किया है। तो जी यहाँ पे चल रही है एकदम लेक के बीच में पाव भाजी। सो गाइस जैसा हमने पहले आपको बताया कि सिटी पैलेस से यहाँ पे आने की टिकट मिली हमें 500 रुपीज़ पर पर्सन, वहाँ पे हमें पूरा राउंड मार के 15 मिनट्स का राउंड मारा हमने, फिर हमें बोट राइड की जगह मिली, फिर वहाँ से हमने बोट पकड़ी, उसने हमें घुमाया गंगोर घाट और अम्बरई घाट और ताज होटल वो सब बाहर से दिखाया एंड उसने हमें फिर छोड़ा जग मंदिर पे। और जग मंदिर पे हम एंटर किए तो हमें लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, तो हमने यहाँ पे पहले चेक किया रेस्टोरेंट, वी हैड पाव भाजी, सिर्फ पाव भाजी खाई हमने और अभी थोड़ा पेट में अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ पे एक गार्डन है वो घूम रहे हैं, देन हम दूसरी साइड चलेंगे। ये गार्डन आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कुछ टाइम पहले कि जो
अंबानी परिवार ने कुछ आरती का आयोजन किया था वो यहीं पे हुआ था, तो काफ़ी सारी सेलिब्रिटी और वो सब आना जाना लगा रहा था, तो ये काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम पे। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो यहाँ पे हो चुके हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ भी यहाँ पे हुई है। इट इज़ बेसिकली आइलैंड, चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है और व्यू काफ़ी अच्छा आता है, शाम का व्यू और ज़्यादा सुंदर आता है। और एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पे दिख गई है, लाइट के ऊपर हाथी बैठा हुआ है, हाथी मेरा साथी लाइट के ऊपर क्या कर रहा है, और ऐसे हर जगह पे लगे हुए हैं। उसका फंक्शन या इवेंट कोई करनी हो तो उसका पूरा सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए तो ऐसे सारे सेटअप बनाए हुए हैं यहाँ पे। बाकी गार्डन आप देखिए, गार्डन कितना सुंदर है और काफ़ी पीसफुल भी है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगा मुझे ये गार्डन। अब हो चुका है एग्जिट का टाइम, यहाँ से होना है एग्जिट, वहाँ से करी थी हमने एंट्री और ये वाली जगह है एग्जिट के। बोट राइड खत्म हुई तो हम लोग गए थे 12 बजे, 1 बजे वापस आ गए, तो 1 घंटे की बोट राइड मान लो ये। तो जी एग्जिट हमने लिया गणेश पोल से, ये रहा सिटी पैलेस और यहाँ से एग्जिट लिया हमने। तो जी अभी ओला से हमने ऑटो बुक करी है और यहाँ पे ओला अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप ओला यूज़ कर सकते हो उदयपुर में। तो जी जग मंदिर घूम रहे थे और वहाँ पे लगी धूप, तो 12-1 बजे जैसे हम लोग पहुँचे होटल पे, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी कि धूप में थोड़ा भी घूम पाए, और थकान की वजह से आके हमने जोमेटो से ऑर्डर किया, खाना खाया और फिर सो गए। उसके बाद पता ही नहीं चला कि कितने घंटे सोए, अभी 5:30 हो गए हैं। उदयपुर में बर्गर कंपनी का बर्गर फेमस है, तो 1-2 बार हमने सुना था कि बर्गर कंपनी का बर्गर खाना आप कभी उदयपुर जाते हो तो हमने वो ऑर्डर किया था, और बर्गर जेन्युइनली अच्छा था और प्राइस वाइज भी बहुत नॉर्मल है उनका बर्गर। तो आप भी अगर उदयपुर आते हो तो बर्गर कंपनी का बर्गर ज़रूर ट्राई करना। तो अभी हम सो के मस्त फ्रेश हो चुके हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग शाम को कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्योंकि उदयपुर में सुबह सुबह हम जितना घूम सकते थे उतना घूम के आपको दिखा दिया है, बाकी का आप शाम को घूमेंगे जैसे फतेह सागर और 1-2 जगह और है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।